मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर्स तक आप लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाले हैं, हमने उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ में मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिनसे आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा ज्यादा ईजी रहेगा और साथ में आप उन ट्रिक्स को यूज करके कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन में आपको बहुत लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ईजी आते हैं, इट्स ट्रू कि केमिकल काइनेटिक्स से इजी क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर बड़ा मेथड अप्लाई करते हो तो वो क्वेश्चन बहुत देर से सॉल्व होगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है ताकि आपका टाइम बचे और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, आपका चैप्टर आपको पता है चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है राजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जरा ध्यान से देखेंगे इसको समझने के लिए, आपने ए नॉट अमाउंट लिया है किसी भी चीज का, ए नॉट से इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ए नॉट बाय टू, ठीक है, आधा हो जाएगा इसमें बेटा E हाफ में, ठीक है, फिर और आधा हो जाएगा अगले T हाफ में बेटा, फिर और आधा हो जाएगा अगले T हाफ में, और आधा हो जाएगा नेक्स्ट T हाफ में, चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आपको दिख रहा है कि टी अगर मुझे 50% निकालना है तो वो मेरा कहलाएगा टी हाफ, मैंने इसको क्या बोला है टी हाफ, मतलब एक टी हाफ में सिंपली आधा हो रहा है बेटा, हो रहा है। यहां से यहां तक कैलकुलेट करना कितना हुआ बेटा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय फोर, ये है ये बचा हुआ है, तो डिसोशिएटेड कितना है, दिस इज योर डिसोशिएटेड बेटा, डिसोशिएटेड वैल्यू कितनी है, डिसोशिएटेड वैल्यू शुरू में ए नॉट था, बीच का फेस भूल जाओ, और मैं कह रही हूँ फाइनल कंसेंट्रेशन मेरे पास ए नॉट बाय फोर बची है, तो डिसोशिएट कितनी हुई, कितने परसेंट रिएक्शन हुई है, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय फोर कितना आ जाएगा, थ्री ए नॉट बाय फोर आ जाएगा, आ जाएगा। परसेंटेज की टर्म में लू तो मैं जीरो सीधा सीधा 75% हो गया, अगर मैं परसेंटेज निकालू आपको पता है मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा एंड यू विल गेट 75%, क्लियर हुई मेरी बात। तो आपका यहां से यहां तक कितना परसेंट हुआ बेटा टोटल 75%, तो टी 75 इज इक्वल टू कितने टी हाफ यूज करे बेटा उसने, एक और एक दो, इज इक्वल टू टू इंटू में टी हाफ, कोई डाउट है यहां तक, क्लियर हुई मेरी बात। सेम अगर आप नेक्स्ट निकालेंगे बेटा ए नॉट से ए नॉट बाय एट, तो डिसोशिएटेड ए नॉट से ए नॉट बाय एट कितनी आ जाएगी बेटा, यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे 83.75% आएगा, कितना आएगा 83.75%। तो अगर मुझे टाइम निकालना है 83.75% के लिए तो कितना आएगा जरा बताना, इज इक्वल टू कितने टी हाफ यूज हुए हैं, वन टू और वन थ्री, कितने टी हाफ बेटा, तीन टी हाफ का इस्तेमाल, क्लियर होगी मेरी बात यहां तक, कोई डाउट है इसमें, समझ आ गया, ठीक है। 87.25% आएगा, सॉरी इसको आप डिवाइड डिवीजन तो आप अपने आप ही कर लेंगे 87.25%, क्योंकि 75 और फिर 12 और ऐड होएगा तो कितना हो जाएगा, है ना, ऐसे ही होता है ना बेटा, देखो सबसे पहले 100 फिर कितना हो गया 50 फिर कितना हुआ 25 और उसके बाद कितना ऐड होता है 12.5, अब कितना ऐड होगा 6.25, क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 87.50%, 87.50%, ठीक है। इसी तरह से बेटा आप यहां से अगर यहां पे निकालेंगे तो ए नॉट
माइनस ए नॉट बाय 16 बेटा। अब कितना आएगा, कितना ऐड होना है, 6.25%। तो 87.50 में 6.25 देख लो कितना आ गया, 753, दैट इज 93.75% डिसोशिएट हुआ। कितने टाइम इंटरवल में बेटा, T 93.75% हुआ, कितने में, 4 T hours। क्लियर है मेरी बात? इस क्वेश्चन का फायदा क्या है, इसके अलावा एक छोटी सा पॉइंट और आपको याद रखना है बेटा, कि टी अगर मैं 99% आपसे पूछू, 99.9% लगभग खत्म हो चुकी है रिएक्शन, तो वो बराबर होगा 10 T hours के। किसके बराबर होता है, 10 T hours के। बात समझ रहे, इसका यूज क्या है, इस कैरेक्टरिस्टिक का क्या फायदा है, दोबारा समझ लो मैंने क्या किया। मैंने ए नॉट लिया बेटा, टी हाफ में कन्वर्ट हो गया ए नॉट बाय 2, अगले टी हाफ में कन्वर्ट होगा ए नॉट बाय 4, अगले टी हाफ में ए नॉट बाय 8, अगले टी हाफ में ए नॉट बाय 16, आधा आधा होता चला जा रहा है। अगले टी हाफ में निकालना हो तो ए नॉट बाय 32, अगले टी हाफ में ए नॉट बाय 64, चलता चला जाएगा बेटा, कोई डाउट तो नहीं आता। तो मैंने पहले यहां से यहां तक करा, आधा कितनी देर में हो रहा है, टी हाफ में, तो टी 50% निकालना हो तो सिंपल 8 T hours निकालोगे। नेक्स्ट मैंने ए नॉट से लेके ए नॉट बाय 4 के लिए निकाला, तो ए नॉट शुरू में थी वैल्यू, बची कितनी है, ए नॉट बाय 4, तो यूज कितनी हुई, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 4, तो दैट इज 3 A0 by 4 इज इक्वल टू 75%। बात समझे, इसी तरह से आप ए नॉट से आप चले ए नॉट बाय 8, तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 8 कितना आएगा, 7 A0 by 8 डिवाइड करेंगे आप क्या आएगा, सॉरी 87.5% बेटा। इसी तरह से नेक्स्ट आप ए नॉट से ए नॉट बाय 16 जाएंगे तो आपका आएगा 15 A0 by 16, दैट इज 93.75%। ठीक है, अब आपने देखा यहां से यहां तक पहुंचने में 2 T hours, यहां से यहां तक पहुंचने में 3 T hours, यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल 4 T hours यूज हुए। क्लियर है? और 99% के लिए इस तरह से कंटिन्यू करते हुए मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, दैट इज 10 T hours से इक्वल होता है। तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करूं, जैसे मैंने दिया कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन 87.5% कंप्लीट इन 30 मिनट। कैलकुलेट के लिए एज पहले लिखिए 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसने बोला बेटा 87.5% कंप्लीट कर रहा है कितने मिनट में, 30 मिनट में, 30 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। उसने बोला टी 75% मुझे बता दो कितना होएगा। अब बेटा इस तरह का क्वेश्चन आप नॉर्मल सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत बड़ा बनेगा। देखिए करोगे तो कैसे करोगे, यहां से आप के निकालोगे, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टाइम टी, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय में फाइनल कंसेंट्रेशन। क्लियर बेटा, यही फॉर्मूला यूज करोगे। टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 30 मिनट, 2.303 बाय में 30 इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन मैंने मानी 100, 87% कंप्लीट हो गई है तो 100 माइनस 87.5, कोई डाउट बेटा, यहां से आएगी 2.303 डिवाइडेड बाय 30 इंटू लॉग ऑफ 100 बाय में 12.5। क्लियर है मेरी बात, ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई बेटा, के की। क्लियर होगी मेरी बात, अब किसके लिए निकालना है, टी 75 के लिए, तो टी 75 के लिए क्या करोगे, के इज इक्वल टू 2.303 बाय में बोलो टाइम टी इज इक्वल टू कितना होता है, लॉग ऑफ इनिशियल बाय में 5। तो आपको k की वैल्यू दे रखी है, ये निकाली जो आपने 2.303 डिवाइडेड बाय 30 इंटू लॉग ऑफ 100 बाय 12.5 इज इक्वल टू 2.303 बाय टाइम एज इट इज टी बेटा, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ इनिशियल 100 अपॉन 100 माइनस 75। कोई डाउट है इस बात में, 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा बेटा जी, ठीक है। यहां से यू विल गेट, यहां पे देखिए प्लीज क्या आया है आपके पास,
1/30 into log of 100/12.5 is equal to 1/t into log of 100, यहां कट कर लो बेटा, ये आ जाएगा 100/25 क्या आ गया, log of 4, तो 2 log 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, डायरेक्ट किया मैंने, दोबारा समझ लो मैंने कैसे किया है। यहाँ पर 1/t था इंटू लॉग ऑफ 100/25 बचा बचा, क्लियर है, तो 1/30 इंटू लॉग ऑफ 100/125 1000 कर दिया, इसे इक्वल टू 1/t इंटू लॉग ऑफ, ये कट गया कितना आया 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना बेटा, है ना, तो 1/30 इंटू लॉग ऑफ, इसको आप कर दीजिए डिवाइड, log of 8 is equal to 1/t into log of 2 की पावर 2, क्लियर है, ठीक है, log of 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है, आगे ले आऊं 3/30 इंटू लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/t, आगे 2 ले जाओ बेटा 2/t इंटू लॉग ऑफ 2, क्लियर है मेरी बात, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती है 3/30 इंटू 0.477 इज इक्वल टू 2/t इंटू लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.301। कोई डाउट बेटा, यहां से आप t कैलकुलेट कर लेंगे, यही निकालना। तो ये बहुत बड़ा मेथड है, बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट इक्वेशन से यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, उस के की वैल्यू को आप यूज करेंगे और सेकंड के लिए टी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट करने की, एक शॉर्ट ट्रिक के साथ जो मैंने आपको यहाँ बताई है। 87.5% बेटा टी 87.5% इज इक्वल टू कितने टी हाफ के इक्वल है, 3 टी हाफ के इक्वल है ना बेटा, तो टी 87.5% कितना दे रखा है 30 मिनट इज इक्वल टू 3 टी हाफ, क्लियर, तो टी हाफ एक तरह से कितना आ गया बेटा बोलो, 10 मिनट आ गया, 30/3 10 मिनट, कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर। अब टी 75 इज इक्वल टू कितना है मेरा 2 टी हाफ है ना बेटा, 2 टी हाफ, तो 2 टी हाफ है तो 75 ही तो निकालना है, टी 75% इज इक्वल टू 2 × t हाफ कितना है बेटा 10, कितना आंसर आएगा सीधा सीधा 20 मिनट, आपका 2 लाइन में आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको इसका फायदा समझ आ गया कि क्या होएगा, कॉम्पिटिशन में आपको उसी को यूज करना है, ठीक है, यस, क्या, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर 87.5% दिया हुआ था, दैट इज फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। k इज इक्वल टू 2.303/t इंटू लॉग ऑफ a0/80 आपने फॉर्मूला लगाया, 87.5% कंप्लीट हुआ है तो 100 - 87.5 सॉल्व करके आ गया 12.5, ऊपर 100 है, 2.303/30 log ये k की वैल्यू आ गई। फिर k की वैल्यू मैंने दोबारा लिखी किसके लिए, 75% के लिए, तो k इज इक्वल टू 2.303/t इंटू a0/80 होता है फॉर्मूला, a0 इनिशियल कंसेंट्रेशन बाई 100 है, फाइनल अब कितनी है 75%, तो 100 - 75%, 100 - 75 आ गया 25, तो 100/25 को कट करके आएगा log of 4, log of 4 मैंने को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, जब भी कभी log के टर्म्स में पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, इट विल कम इन फ्रंट, तो ये पावर आगे आ गई बेटा, बन गया 2/t इंटू log of t। इसी तरह से इस तरफ अगर मैं देखूं तो log of 100/125 नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैंने कट करा बेटा 125 इंटू log of 100 में मैंने 5 से लिया, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, ठीक है, और यहाँ दिया 5 × 2 = 10 200, फिर 25 × 8 = सीधा सीधा 200 हो गया, ठीक है। 8 को क्या लिखते हैं बेटा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हमारे पास, 2 की पावर 3 लिखेंगे इसे 8 को, सॉरी 1/30 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 की पावर 3, ये 3 आगे आ जाएगा बेटा, तो 3 × 30 इंटू लॉग ऑफ क्या बच गया 2 बच गया बेटा, तो यहाँ डायरेक्ट ही काट दो log of 2, log of 2 से log of 2 कैंसिल,
क्या आ गया बेटा 10, 10 इज इक्वल टू 2 बाय टी, तो टी इज इक्वल टू 1/10, 1/10 इज इक्वल टू 2/t, तो t इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना आ गया 20, है ना। तो यहां से भी आंसर कितना आया भाई 20 मिनट, पूरा पेज सॉल्व करना पड़ेगा, और वहां से भी आंसर कितना आया 20 मिनट, डायरेक्ट दो लाइन में करना पड़ेगा। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं, अगर आपको डबल परसेंटेज और एक टाइम दे रखा हो तो यू कैन यूज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/t इंटू में ln ऑफ ए नॉट बाय एटी, दैट इज डीके कॉन्स्टेंट, इसको आप के भी लिख सकते हैं, अब तक आप के ही लिखते आए हैं, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, आसान है। और टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप कितना लिखते हैं, 0.693 बाय लैम्डा या के, यहां से लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, कोई डाउट बेटा, 0.693 को क्या लिख सकते हो आप, 2.303 इंटू लॉग ऑफ 2, यही तो है ना, डिवाइडेड बाय टी हाफ इज इक्वल टू लैम्डा बेटा, क्लियर है, क्योंकि यही इसको खोलोगे तो यही तो बना 2.303 इंटू लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आप लेते थे यहाँ पे कितनी 0.301, तभी तो वो आएगा। इसको लॉग और इसको मिला के मैं ln ऑफ 2 लिख सकती हूँ बाय टी हाफ इज इक्वल टू लैम्डा, नेचुरल लॉग में मैंने कन्वर्ट कर दिया ln में, कर सकती हूँ मैं ये चीज, एक लैम्डा ये बेटा आपके पास, एक लैम्डा ये है बेटा आपके पास, दोनों लैम्डा को क्या करूं इक्वल, पुट बोथ लैम्डा इक्वल, ln ऑफ 2 बाय में t हाफ इज इक्वल टू 1/t इनटू में ln ऑफ a नॉट बाय at, क्लियर है मेरी बात, t को इधर ले जाओ, t बाय t हाफ इनटू में ln ऑफ 2 इज इक्वल टू ln ऑफ a नॉट अपॉन में 80, कोई डाउट है यहां तक बेटा, t अपॉन t हाफ क्या देता है, अगर मैं कह रही हूं टाइम है मेरा 20 मिनट, टोटल टाइम मैं कह रही हूं समझो इसको, टाइम टोटल 20 मिनट है बेटा, और t हाफ मेरी कितनी है 5, तो t बाय t हाफ कितना आ जाएगा 20/5, दैट इज 4, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मिनट में एक टी हाफ, अगले 5 में, अगले 5 में, अगले 5 में, है ना, मतलब आप ये कह सकते हो जीरो कंसेंट्रेशन से 5 मिनट में एक टी हाफ होगी, ऐसे लिख सकते हो, ए नॉट से ए नॉट बाय 2, ए नॉट बाय 4, ए नॉट बाय 8, ए नॉट बाय 16, इसी तरह से चलेगा बेटा, ये एक टी हाफ 5 मिनट में यहां पहुंचेगी रिएक्शन, अगले 5 मिनट में यहाँ पहुंचेगी बेटा, अगले 5 मिनट में यहाँ, अगले 5 मिनट में यहाँ, ऐसे तो होएगा, तो मेरे 20 मिनट में कितने टी हाफ आए, 1, 2, 3, 4, तो टी बाय टी हाफ एक्चुअलिटी में क्या देता है, नंबर ऑफ टी हाफ दे रहा है, अगर मैं कह रही हूं मेरे 30 मिनट होते, अगर मैं कह रही हूं मेरे 30 मिनट होते और टी हाफ मेरा भाई 5 मिनट का है, तो 30 मिनट में आगे रिएक्शन चली जाती ए नॉट बाय 32 और ए नॉट बाय 64, ये अगले 5 मिनट में, 5 मिनट में हो गए ना 30 पूरे, 5, 10, 15, 20, 25 और 5, 30, तो कितने टी हाफ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आया क्या 30/5 भी तो 6 ही आ रहा है, तो अगर मेरा टाइम गिवन हो और टी हाफ गिवन हो तो मैं टोटल ये निकाल सकती हूँ कि मेरी रिएक्शन कितने टी हाफ से गुजरेगी, निकाल सकती हूँ ना,
रब कर दू, समझ आ गया यहां तक ना? ठीक है, तो सिंपल है बेटा, टी बाय टी हाफ इज इक्वल टू है नंबर ऑफ टी हाफ, कितने टोटल हाफ लाइफ या नंबर ऑफ हाफ लाइफ आप लिख सकते हैं। मैं डिनोट कर रही हूं उसको एन से, तो एन इंटू में एल एन ऑफ टू इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। क्लियर है मेरी बात? ये प्रॉपर्टी पढ़ी है तुमने आगे है तो ऊपर बेस पे चला जाएगा, ऊपर पावर बन जाएगी। तो एल एन ऑफ टू की पावर एन इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नॉट बाई ए टी। क्लियर बेटा? एल एन से एल एन कैंसिल, टू की पावर एन इज इक्वल टू ए नॉट बाय ए टी। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो अगर मेरे को इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखी हो क्वेश्चन में और फाइनल दे रखी हो और मेरे से पूछ रखी हो कितने टी हाफ ये टोटल जाएगा, कितने टी हाफ ये टोटल जाएगा, तो आप आसानी से एन पता लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं ना? जैसे इनिशियल कंसेंट्रेशन मैंने दे दी 48, दैट इज ए, और मैंने 80 दे दी आपको 6 मोल, तो टी हाफ बताओ बेटा कितने, नंबर ऑफ टी हाफ कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी आएगी, कैसे बताओगे? 2 की पावर एन इज इक्वल टू 48/6, ये तो किया मैंने, तो 2 की पावर एन इज इक्वल टू 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3, तो एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ टोटल कितनी जाएगा ये 3, करके देख लो 48, ठीक है, 8 टी हाफ भाई आधी करो कितनी हो जाएगी 24, दूसरा टी हाफ आधी करो कितनी हो जाएगी 12, तीसरे टी हाफ में 6, उसने ये तो बोला है इनिशियल कितनी है बेटा 48, इनिशियल कितनी है 48, फाइनल कितनी है 6, तो 48 से 6 तक पहुंचाने में कितनी बार आधा हुआ, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, कितने टी हाफ गए 1, 2 और 1, 3 टी हाफ। बात समझ आई? तो इसको आसानी से आप बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से इसको इस कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। समझ आ गई बात? कॉम्पिटिशन में पूछेगा, या फिर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ दे रखा हो कि कह रखा हो कि रिएक्शन में कि एक रिएक्शन 5 हाफ लाइफ कंप्लीट करता है और इनिशियल कंसेंट्रेशन 10 मोल है, वो बोले जैसे मैं आपको बता रही हूँ एक क्वेश्चन कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ वो क्या करता है 5 कंप्लीट कर रहा है और इनिशियल कंसेंट्रेशन 10 मोल है, अगर इस तरह से दे दे वो कहे फाइनल इक्वल टू ए नॉट बाय ए टी बेटा, है ना, तो 2 की पावर एन कितना होगा, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू ए नॉट कितना है 5 बाय में 80, 80 इज इक्वल टू 5 बाय में 2 की पावर 5 है, सॉरी ए नॉट आपको 10 दे रखा है। क्लियर है मेरी बात? और 10 डिवाइडेड बाय में 5 बाय में 16, तो आपकी फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी बचेगी 5/16, कैलकुलेट कर लेना ऐसे पॉइंट्स में। बात समझ आई बेटा? तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके, तो कंपटीशन में पूछेगा आपसे। जैसे अच्छा इस फॉर्मूले को या इस ट्रिक को यूज कब करोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। 6 डिवाइड हो रहा था पूरा 48 से, तो मैंने इसको यूज कर लिया। अगर मेरी इनिशियल कंसेंट्रेशन और फाइनल कंसेंट्रेशन आपस में 2 की मल्टीपल ना हो तो आपको पंगे नहीं लेने, तो ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये डिवाइड होके बेटा 2 की पावर बनाएगा तो ही ये मेथड यूज होगा, और आपको 99.9% कंपटीशन में पावर 2 की रेस पे ही मिलेगी, हमेशा मल्टीपल ही गिवन होगा। आज तक लास्ट टाइम भी इस क्वेश्चन को पूछा गया, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत इजी है वो भी, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट टू लास्ट ईयर इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो मल्टीपल दिया था तो वो मल्टीपल ही देगा, क्योंकि अगर वो मल्टीपल नहीं दे रहा तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा
और ऐसा नहीं होता है कि जी मेन्स में या नीट में ऐसा क्वेश्चन वो डाले जिसमें आपको दो या तीन गुना टाइम यूज करना पड़े। कहीं ना कहीं शॉर्ट अप्लाई हो रहा होगा, बस आपको वो शॉर्ट अप्लाई पहचानना है कि कहां पे हो रहा है। तो अगर मल्टीपल्स गिवन हो तभी यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर मल्टीपल्स गिवन ना हो तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर होगी बात मेरी यहां तक? ठीक है।